7 at one blow. बहुत साल पहले दुनिया में एक गरीब आदमी रहता था। उसके इतने सारे बच्चे थे जितने आसमान में तारे हो। एक बार उसने अपने बच्चों के लिए खाना पकाया, लेकिन उस खाने पे मक्खियां आके बैठ गई। गरीब आदमी ने उन्हें मारने की कोशिश की, और उसने एक ही गुस्से में 7 मक्खियां मार डाली। और तभी उसे खुद पर अभिमान हुआ कि उसने ये किया। उसने अपने गले में एक बोर्ड टांग दी, और तभी उसने सोचा कि मैं अपने गले में एक बोर्ड टांगूंगा जिसमें लिखा होगा, मैंने एक घुसे में 7 मार दी। एक बार वो दुनिया की सैर करने निकला। बीच रास्ते में उसे जंगल लगा। गरीब आदमी बहुत थक गया था, तो वो वहां सो गया। तभी वहां पे एक दानव आया। उसने उस बोर्ड को पढ़ा और सोचने लगा कि यही है वो दानव जिससे हमें लड़ना है, ये कोई मानव नहीं है। जब गरीब आदमी जागा तो वो दानव ने उसे पूछा, क्या तुम बोर्ड में लिखा हुआ साबित नहीं करना चाहोगे? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस जंगली भैंसे के खाल में पानी भर कर लाना होगा कुएं से। और अगर तुम इस परीक्षा को पार करते हो तो तुम्हें क्या चाहिए? और तब गरीब आदमी ने कहा, बस एक सोने के बड़े से गमले में बैठा कर मुझे घर छोड़ देना। और उसकी परीक्षा शुरू हुई, और फिर दानवों ने उसके ऊपर जंगली भैंसों के खाल फेंके। बेचारा आदमी उस खाल के नीचे दब गया। वो सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि खाल में से पानी ले जाना बड़ा मुश्किल था। तो उसने जमीन खोदना शुरू किया उसकी राह देखकर। और तभी दानवों ने उसे आवाज दिया, तुम क्या कर रहे हो, पानी कहाँ है? उसने और अच्छी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इस भैंसे के खाल में भरकर पानी लाऊंगा? मैं तो तुम्हारे लिए पूरा कुआं खोद रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, मेरी माँ अंधी है, वो फिसल कर कुएं में गिर सकती है। ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, तुम इसके बदले जंगल से लकड़ी काट लो। वो दूसरे जानवरों के साथ जंगल में चला गया। एक दानव ने बड़े से पेड़ की टहनी मोड़ के नीचे की, तो उसने उसे पकड़ लिया। जैसे ही दानव ने टहनी छोड़ दी तो आदमी भी उसके साथ उड़कर दूसरी जगह पर पहुंच गया। दानवों को समझने से पहले ही वो झाड़ी में घुस के खरगोश का पीछा करने लगा। तो दानव ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो, लकड़ी काटो। उसने कहा, दिख नहीं रहा, मैं पूरे जंगल को पकड़ रहा हूँ ताकि तुम्हें लकड़ी काटनी ना पड़े। सबको अब उससे डर लग गया था। वो सब भाग गए और औरों को बताने लगे, ये दानव हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो कहने लगे, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन आदमी इससे इनकार करता है और कहता है, तुम में एक शक्तिशाली है, और एक दानव की ओर इशारा करता है। दानव ने कहा, हम चाबुक लेके जाते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा जोर से चाबुक चलाता है। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, और खुद के लिए एक डंडा मंगाया। जब वो दोनों वहां पहुंच गए तब दानव ने कहा, सबसे पहले तुम अपना कमाल दिखाओ। लेकिन ये सुनकर आदमी बोला, नहीं,
पहले तुम अपना कमाल दिखा। और दानव ने अपना चाबुक जोर से घुमाया। चाबुक की आवाज सुनकर गरीब आदमी नीचे गिर गया। दानव ने कहा, कहां गई तुम्हारी शक्तियां? अब दिखाओ तुम्हारा कमाल। ठीक है, अब मेरी बारी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करना होगा, वरना तुम अंधे हो जाओगे। उसके आंख बंद करते ही आदमी ने अपने डंडे से उसके सर पर जोर से मारा। दानव को तब एहसास हुआ कि वाकई में आदमी बहुत शक्तिशाली है। दानव ने कहा, तुम जीत गए, तुम वाकई में हमसे शक्तिशाली हो। दानव जाके बाकी से कहने लगा, वो बहुत शक्तिशाली दानव है। और फिर सभी दानवों ने मिलकर उसे सोने के गमले में बिठाया और उसके घर छोड़ दिया। और तब वहां उसके बच्चों ने उससे पूछा, पिताजी हमने बहुत दिन हुए दानवों का मांस नहीं खाया। ये सुनकर दानव डर के मारे वहां से भाग निकला और वो बाकी दानवों के पास आ पहुंचा और उसने बताया, उस शक्तिशाली के बच्चे भी दानव का मांस खाना चाहते हैं। और इसी तरह ये कहानी यहाँ खत्म होती है। ये झूठ नहीं, एक सच्ची कहानी है। तुम बुलेट रेसर की हार्ट बीट को सुन सकते हो? क्या तुमने सबसे बढ़िया पावर और सबसे तेज स्पीड देखी है? मेरी लवली बुलेट रेसर, मैं ही जीतूंगा हर हाल में। हाँ, आखिर हम जीत ही गए। अगर इसे सही तरीके से यूज ना किया जाए तो वो कंपटीशन में दूसरे होली बीस्ट को भी सम्मोहन कर देता है और दूसरे स्वॉल फाइटर को भी कंट्रोल कर सकता है। जिस किसी के पास भी ये चेन ब्लॉक होगा वो सबसे शक्तिशाली होगा और वो सही मायने में स्वॉल फाइटिंग की पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। ये डिस्कवरी शायद अभी तक की इंसान की सबसे बड़ी डिस्कवरी। मैं जीत गया। अरे वो देख रहे हो, ओशन बीस आगे जा रही है। हाँ? स्ट्रॉकोट मेरा है, मैं उसे कैंडी लेकर ले लूंगा। जाओ जाओ, तुम ये कर सकते हो। ओ नो पिंग पिंग, वो वहाँ पहुँचने वाला है, हम उससे आगे नहीं जा पाएंगे। किसने कहा? उसके आगे जाओ। Oh, my God.
तुम्हें बहुत ही भयानक मुसीबत से बचा। अगर अरे मैं तो फंस गया। क्या मुझे क्या करना है? ये बहुत ही ऊंचा है। मिल गया कुछ तो मिल गया। आ गया भाई। ये कैसे आवाज है? मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। ये क्या है? बहुत समय पहले जब मानव प्राचीन था, उस समय का मानव बहुत शांति से जीवन जीता था। फिर भी एक दिन वो शांति भंग हो गई। विश्व की एक तरफ से एक काले रंग की कुछ सेना आई और पृथ्वी पर आक्रमण किया, सारी कायनात को बर्बाद करने के लिए। जब सब खोने ही वाले थे कि तब एक गुप्त शूरवीर बुद्धिशाली योद्धा आया। उसकी अच्छी बुद्धि से उसने एक युद्ध करने का यंत्र बनाया जिसमें मस्त औजार थे और जो वो काली सेना को वापस भगा दे।